भाई वो इतनी जबरदस्त बकरी थी और आपने एकदम मतलब कचरा भाव में दे दिया। 8,000 रुपये एंड मेरे ख्याल से 6 लाख के आसपास के व्यूज खाली मुझे आए हैं, छः जी। या 5 लाख के, 5 लाख प्लस, हाँ 6 लाख के आसपास के मैंने तो व्यूज मेरे आए। चैनल पे यूट्यूब पर डाला था भाई, 7 7 8 घंटे में 1.8K व्यूज हो गए थे उस पर। एंड अभी भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि हाँ, वैसा मेरे को खुद अभी भी आते रहते भाई मैसेज आपके इंस्टाग्राम के थ्रू। मेन क्वालिटी शॉप पूरा करवा देना यहाँ पर, सबसे अच्छी बात है। ऐसी थी कि सामने आप देखोगे तो दिल हाँ करेगा कि दो बार और नजर उस बकरी पे डाल दो, माशाल्लाह एक नंबर ये और बकरी है, गुजरी इसीलिए तो माशाल्लाह। लोग बोलते हैं मार्केट खराब कर रहे हैं। तो वो बस नहीं हुआ, उसके बाद फिर बन्नूर लाए जा रहे हो, लाए जा रहे हो, लाए जा रहे हो। कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहा है भाई, देख लोगों रहे का हो, डिमांड है, शौक हो रिस्पॉन्स गया है। लोगों का भाई। अमन भाई इनका एक बता रहा हूँ, इन्होंने जब लॉकडाउन में मार्केट बहुत हाई हुआ था बकरेबाजी का, भाई ने कुछ बकरे लाए थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, कोटा लाए थे, कोटा था एक गुजरी था। कोटा था हाँ टेरेस आप जब पे, आए, नहीं टेरेस पे नहीं नहीं था, डायरेक्ट नीचे से ग्राउंड सेटअप पे ग्राउंड था। सेटअप था, जब आप आए थे 3 या 4 ही बचे थे कुछ। मतलब मेरा वीडियो कोई ऐसा नहीं भागा है वो, मेरे ख्याल से है ना 1 घंटे में कुछ 3 4 हज़ार व्यू भागा था, वो टोटल अच्छे गए व्यूज उसके ऊपर। लेकिन मैं खुद परेशान था कि ये क्या हो गया, एंड आई थिंक भाई ने कॉल करके बताया था कि सोल्ड आउट डाल दो यार, मैं परेशान हो गया हूँ अब, मैं वो बहुत ज़्यादा हो गया अभी, मतलब कॉल ले ले, कॉल रख रहा हूँ, कॉल उठा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो इन्होंने वाला शुरुआत की थी 6,000 से शायद था क्या कुछ शुरुआत, 6 8 हज़ार की शुरुआत से था बकरा। वो भाई गुजरी थे 40 40 45 किलो के थे, 12,000 बारह हज़ार से शुरुआत थी। और हाँ मुझे लॉकडाउन में ठीक। जब ऐसा रेट था ना भाई, मारा मारी बकरों की हो गई थी, कहीं एकदम शॉर्टेज हो गई थी हर जगह उस टाइम दुआ पर। कमाना भाई वो टाइम सबसे दो मेन दुआ का था। एक्चुअली भाई आराम से 16 18 हज़ार रुपये में 8 मन जानवर करके बिक बिकते थे गए। भाई, तो बहुत अच्छे प्राइस में लेके आए। और मेरा रिश्ता आप लोग दोनों से रहा है, अमन भाई तो स्टार्ट से जुड़े, एकदम स्टार्ट से 40 50 सब्सक्राइबर थे भाई जब जुड़ गए आप, फिर यावर भाई जुड़े जब ठीक ठाक 3 3.5 हज़ार 3 3.5 हज़ार सब्सक्राइबर थे। और यावर भाई ने मुझे समझ के लिया कि मेरे फादर एडमिट थे कहीं उस समय नूर हॉस्पिटल में लॉकडाउन में, तो इन्होंने मुझे इंक्वायरी की कि वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मैंने बताया ये कंडीशन है। तो इन्होंने पेशेंस रखा और जब तक के हॉस्पिटल का चक्कर चला 15 दिन 20 दिन इन्होंने वेट करा और बाद में वीडियो बनाया हमारा। वहीं से भाई मेरी शॉप की भी, पालने की भी, ट्रेडिंग की भी सब शुरुआत वहीं से हुई थी। तो वो वीडियो पहली वीडियो बनाया तो उसमें 5K व्यू अभी, हाँ फर्स्ट वीडियो मेरी बराबर, वो हमने मैदान में बनाया जी था। मैदान में बनाया। एंड अच्छी बात क्या लगती है कि वो जो बकरे थे ना 50 किलो के आसपास के, वो सब में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, 40 से 50 सब में ज़्यादा वही सेल होते हैं, वही बकरे ला रहे थे कंटिन्यू। और कितने बकरे इन्होंने लेके आ गए, 85% भाई, 100 एटी में से फाइव 85% 40 से 45 50 किलो 60 किलो ये पट होते जी। सो आप लोग दोनों का प्लान है इस बार बकरा ईद में लाने का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। मैं तो अभी भाई इंशाल्लाह रमजान में आने वाले अपने, तो रमजान से ही ले आओगे? प्लानिंग चल रही है बात प्लानिंग चल रही है, आ, आ, अच्छा यावर भाई का तो कहीं बकरा बुक भी हुआ है? हाँ अगर वो डायरेक्ट बिक गया तो वीडियो नहीं आएगी, अगर नहीं इंशाल्लाह बिका नहीं बिका, लेकिन 5 6 तो कम से कम इधर लाऊंगा, है 20 बकरे, लेकिन इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा अगले हफ्ते में या इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे तक के आ ही जाना। प्राइस प्राइस अभी बता देता हूँ भाई, 20,000 21,000 22,000 18,000 अच्छा 60 किलो 40 किलो 50 किलो। अच्छा ये प्राइस रहे तो अच्छा है। अमन भाई आप भी पहले बहुत अच्छे प्राइस में लाते थे जब आप वाइट वाइट सोजत में बकरे लाते थे मीरा रोड में, एंड वो बहुत फास्ट कट होते थे यार, तो वो टाइम वापस लाओ ना कुछ ऐसा कि लोगों का फायदा हो। बड़े बकरे नहीं चाहिए यार हम लोगों को, छोटे बकरे चाहिए, 50 40 50 किलो में वो आप सस्ते प्राइस में देते थे, 15 से 20 हज़ार के बीच में लेके जाओ तो कैसा होता था, जैसे हम मेरे जैसे लोग हैं उन लोग के लिए परवड़ जाता था वो। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बकरा तैयार हो रहा है। हाँ माशाल्लाह तैयार हो रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंडी में ही आपके बकरे आएंगे इधर, पहले लाके सेट करूंगा भाई। अच्छा अच्छा ये 3A की पॉलिसी में ही है ना, 2 3 महीना आराम से सेट करते हैं यही फार्म पर, और बाहर पूरी घास उगती है, बकरे वो खाते हैं रोज, एंड 2 या 3 महीने होने के बाद भी आप लोग सेल को निकाल ले बकरे। कभी कभी क्या होता है ना भाई, बुरा नहीं लगा, कोई कोई व्यापारी ऐसा करते मतलब 2 पैसा बचाने के लिए बकरे सब भर भर के लेके आ जाते एक साथ सब, मतलब जो कंजेस्टेड हो जाता है बकरे लोगों के अंदर, जो गाड़ी के अंदर ना भाई गैस पैदा हो जाती है, तो ना मोर्टेलिटी भी मतलब 1 2 बकरों की हो जाती है उसमें। वो बकरे जब उतरते हैं उन लोग को अभी सेट होने टाइम लगता है, अभी कोई बंदा वही दौरान उसने लेके चले गया घर पे, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे वो मर गया तो उसकी कुर्बानी वो होगी ना। तो आप लाते हो सेट करते हो, उसमें से एक आधा प्रॉब्लम होनी भी रहती तो पहले हो जाती है। हाँ, तो अपन सेट कर देते ना वो,
क्योंकि मैंने भी यही देखा हूँ कि आप दो दो महीने तो बकरे सेल को ही निकालते हैं, बाद में निकालते थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है। प्राइस हाई होएगा ना भाई। अच्छा क्यों नहीं, आप पिला रहे टॉनिक दे रहे सब दे रहे, बट अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई जहाँ जहाँ बकरे आपने बेचे जी, जहाँ जहाँ बकरे बेचे प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक जगह हुई थी, मींस किसी ने मेरे से लेके गया था लॉट, मतलब 6-7 बकरे, मगर उसने गंदी जगह पे रखा था जहाँ मच्छर थे सब थे, मैंने जाके देखा था तो पूरे मच्छर गंदगी वगैरह, तो जाहिर है बकरे कैसे रहे। वो तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, फिर सफाई भी जरूरी है। सबसे मेन पार्ट गोट फार्मिंग में ये है सफाई सबसे पहले। आप लोग दोनों से सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोग दोनों की फेवरेट गोट ब्रीड कौन सी है? पतीरा। मैं आपसे ये सवाल आगे करने वाला था कि पतीरा क्यों नहीं आ रहा है कुरैशी? पतीरा गुजरी, पहले पतीरा। हाँ पहले पतीरा, पतीरा का अलग ही। अमन भाई सोजत और गुजरी, एज पर मार्केट पर्पस सबसे फास्ट सेल यही होता है। सोजत एंड गुजरी। गुजरी ओके, सो गुजरी लाएंगे सेल के लिए? लाएंगे इंशाल्लाह, अपन सोजत भी लाएंगे गुजरी भी लाएंगे। ठीक है, गुजरी का डिमांड अभी अच्छा आ रहा है। और अभी प्राइस कोटा वगैरह देखे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत भराई पर्पस के हिसाब से उसका प्राइस बहुत बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। पहले तो भाई जब से मैंने स्टार्ट किया हूँ, मतलब ये लाइन में ट्रेडिंग जो भी चालू किया हूँ, डे वन से मेरे साथ रईस भाई जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जजाक अल्लाह भाई आपका बहुत बहुत इस चीज़ के लिए भी। मेरे पे मेरी अम्मी और लोग भी है, मतलब हर चीज़ में कुछ भी रहता है बोले रईस भाई को सबसे पहले ये चीज़ लेके आना, कुछ भी रहता है रईस भाई सबसे पहले रहते हैं मेरे घर में। एज ए यूट्यूबर भी मैं जब स्टार्ट किया मैंने, तो बहुत सारे लोग जो मेरा शूट कर रहे थे उन्होंने मेरे को मतलब प्रमोट करना छोड़ दिए, मेरे पास शूट करना छोड़ दिए। नाम नहीं लूँगा मैं वो सब यूट्यूबर वाला, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम से लेके आज तक अपने शूट्स भी आज मैं अमान भाई से भी जुड़ा हूँ, रईस भाई आपके थ्रू जुड़ा हूँ मैं, बहुत सपोर्ट किया अपने अल्हम्दुलिल्लाह, अप्स एंड डाउन्स आए। कितनी बार मतलब ऐसा रहता था कि पैसे का इशू होता था तो चार्ज भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार नहीं लिया, मतलब हर चीज़ में जुड़े रहे खड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इसके लिए। हमेशा मैं भी आपके साथ ऐसे ही रहना मतलब रहेंगे इंशाल्लाह, अपना रिलेशन ऐसे ही बना रहे, बस दुआ रहेगी इंशाल्लाह। नहीं पहले तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके घर से नियाज वगैरह मेरे पास कंटिन्यू आती है, अमन भाई स्टार्ट से जुड़े, आप लोग मेरे छोटे भाई हो। मेहनत है भाई आपकी, सबसे मेन मेहनत है आपकी है। नहीं एग्जैक्टली अभी मेहनत हो रही है हमारे यावर भाई की, माशाल्लाह आप खुद इतना मेहनत कर रहे हो, जो चैनल आपका पहुंचा है ये आपकी मेहनत से आया है, आप खुद एक अच्छे इंसान हो इसलिए किसी की तारीफ कर रहे हो, वरना बकरेबाजी में ज़्यादातर पीछे बुराई होती है और बहुत बुराई होती है उसमें, बट और मैं तो यही कोशिश करता हूँ यार किसी को मिलाने की हमेशा, मतलब मेरा यही पीछे से होता है कि यार किसके बीच में ना इत्तेफाकी नहीं हो जाए, एंड हमारे को जोड़ती है हमारी बकरेबाजी। और जी सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जजाक अल्लाह का।